पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व आत्मा को आत्मा से जोड़ने का महा आध्यात्मिक पर्व। डॉक्टर दिव्या प्रभा जी, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का भाव भरा स्वागत अभिनंदन करते हुए बातौड़ा में चतुर्थमास विराजित श्रावणी सूर्य उपरिवर्तनी महासाध्वी जी डॉक्टर दिव्या प्रभा जी महाराज साहब ने फरमाया कि जैसे नदियों में गंगा पुष्पों में कमल है, वैसे ही पर्व में महापर्व पर्युषण है। वैसे तो भारत में दो तरह के पर्व मनाए जाते हैं, एक लौकिक पर्व है और दूसरे आध्यात्मिक पर्व। जहां लौकिक पर्व में व्यक्ति अपने तन को सजाता है, घर को सजाता है, माल मिठाई पकवान खाकर खुशी जाहिर करता है, वहीं लोकोत्तर पर्व में विशिष्ट पर्युषण महापर्व भाव भूमिका की ओर, अध्यात्म की ओर, आत्मा की ओर, चिरंतर की ओर, शाश्वत की ओर प्रेरित करते हैं। पर्युषण शारीरिक सुख सुविधा को छोड़ आत्मोन्मुखी बनने का आध्यात्मिक पर्व है। इस महान पर्व के आगमन पर कई साधक सांसारिक, पारिवारिक, व्यवसायिक, सामाजिक गतिविधियों से अपने आप को अलग कर देते हैं और ज्ञान, ध्यान, त्याग, तप से जुड़ जाते हैं। हम सांसारिक क्रियाकलापों का आरंभ, समारंभ का विषय, कसायों का पाप पुण्य का बोझ ढोते चले आ रहे हैं। उससे कुछ विश्राम का अवसर पर्युषण है। उपवास वह प्रथम विश्राम है जिसमें आहार का त्याग करके विश्राम मिलता है। 48 मिनट की वह सामायिक सावधिक योगों से विश्राम कराती है। प्रतिपूर्ण पोषद पलियोम का नरक आयुष्मान कम करवाता है, जबकि संथारा संसार के संपूर्ण सावध योग का पूर्ण विश्राम करवाता है। हर दिनों हरि का त्यागस, रात्रि भोजन का त्याग, कच्चे पानी का त्याग और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। महासाध्वी जी ने विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से पर्युषण का अर्थ बताते हुए अपने मन और इंद्रियों को वश में करना और आत्मा से जुड़ना, इसके लिए जितने भी अनुष्ठान है वह मन को मोड़ने के लिए किए जाते हैं, उसे जागृत करने का प्रयास करें। जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। व्यक्ति सोचता है मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरा हाथ, मेरा पांव, जो यथार्थ नहीं है, शाश्वत नहीं है, नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार पुष्प में सुगंध, तिल में तेल, काष्ट में अग्नि, दूध में घी और इक्षु में रस होता है, वैसे ही शरीर में आत्मा होती है। जाग जाग है शांति पुंज ले, अपने को पहचान, सचमुच तेरा तू ही है, तो है भगवान। महासती जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि सिंह अपने अनंत शक्ति को नहीं पहचान कर गधे की तरह भार ढोता है। वही स्थिति आज हमारी है, हम हमारी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। इससे पूर्व परम पूज्य निरुपम माझी महाराज साहब ने अंतगढ़ सूत्र का सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया है। सभा का सफल संचालन करते हुए संघ मंत्री श्री रमेश जी चांडलिया ने घोषणा की कि पर्युषण महापर्व में प्रतिदिन प्रवचन के समय व्यवसायिक कार्य एवं दुकान बंद रहेगी। प्रतिदिन 6:15 पर 8:30 अंतगढ़ सूत्र का वाचन एवं प्रवचन, दोपहर 2:30 से कल्प सूत्र वाचन एवं प्रतियोगिता व ज्ञान चर्चा, शाम सूर्यास्त के पश्चात प्रतिक्रमण एवं 8:15 पर नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप होगा। अज असी मजारा डिंगरिया दे विच जिहड़ी फुटबॉल की अकैडमी बनी है उस विच आए हैं, तो बच्चे हुणे हुणे बेंगलौर दे विच नैशनल गेम्स खेल के आए हैं। पहला पंजाब जितया, फिर इन्होंने नैशनल गेम्स दे विच जिहड़ा है सर्वोत्तम कप 3 मैच जिहड़े ने उह जित्ते, गुजरात नूं हराया, नरोदया नूं हराया ते हिमाचल दी टीम नूं हराया, ते अगला मैच जिहड़ा सी उह बंगलादेश नाल गया। तुसीं समझ सकदे हो कि एक मजारा डिंगरिया च बैठ के अकैडमी दे बच्चे जिहड़े ने वो इंटरनेशनल लैवल पर अपनी परफॉर्मेंस दिखा के आए हैं। उत्थे बेशक ये 3-0 ना हारे ने, लेकिन जिहड़ी डिफिकल्टी ये दस रहे ने वो ये सीगी कि ग्राउंड दे विच मिट्टी दी ग्राउंड जे प्रैक्टिस करते हैं उत्थे इन्हां एरोस्टेप से खेलना पिया, वो इत्थे उपलब्ध नहीं है। तो मैं इन्हां नूं अशोर दिना कि क्लब वालों एक एप्लीकेशन आ जाए तो सरकार दे बोर्ड रिक्वेस्ट करके इन्हां नूं वी प्रोवाइड करावांगे ताकि खेल दे समय इन्हों कोई डिफिकल्टी ना आवे। मैं उन्होंने दानी सजना भी धन्यवाद करदा जिन्होंने कुछ हिम्मत करके इन बच्चों बेंगलौर भेजन लिए उपरला किया। पहला मैं इन्होंने बच्चों इस गल की बधाई दिना, खेल के नाल नाल इन्होंने बाईयर जान का भी इन्हों मौका मिले, वो ता ही मिले क्योंकि लेट हो गए, तो जोड़े दानी सज्जन उन्होंने मदद की, तो बाईयर अपना मैच जो है वो खेल के आए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस जी है वो करके आए हैं। मैं अपने वालों एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देना। मैं कोच साहब को बेनती करूँगा कि 2 मिनट लिए कोच साहब भी अपना थोड़ा जहा एक्सपीरियंस शेयर करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी खन्ना साहब का जी, दोबारा बोलो। पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद जी खन्ना साहब का, खन्ना साहब जी का जिन्हों की बदौलत ही सानू एक हौसला मिलया कि अभी उत्थे पार्टीसपेट करिए जाके कर सकी, क्योंकि साढ़े को फाइनैंशियल इन्नी सपोर्ट है नहीं सी। असी बहुत बंदियां दे संपर्क दे विच आए, इदां नहीं कि पहला असी खन्ना साहब कोल गए, असी बाकी भी लोगों नाल राबता कायम किया,
फिर जदों सानू गुरप्रीत भाजी ने खन्ने भाजी दे नाल मिलाया तो मैनू एक गल इन्हां दी बहुत चंगी लगी जदों मैं इन्हां कोल गया इन्होंने मैनू एको गल कही कि मास्टर जी मैं भी अपने कोलों नहीं देने मैं थोड़ी सपोर्ट लई हमेशा तैयार हाँ। इन्होंने एक दो फोन किए उहदी बदौलत ही सानू देखो जी उत्थे जाण दा मौका मिलिया एक हौसला मोटीवेशन सिर्फ इन्हां करके मिली आ नहीं तो मैं तो बिल्कुल ये कह चुके सी बच्चों भी अपने आप को भी समझा चुके सी कि नहीं जा हूँ इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हाँ इन्हों का जी अज साडे अकैडमी दे विच भी आए इस तो वड्डा सुभाग्य नहीं है कोई भी क्यों पहली बार साढ़े अकैडमी दे विच आके इन्होंने सानू होर भी बहुत हौसला दिता इसलिए असीं इन्हां दे बहुत धन्यवादी हैं जी।